जिस प्रकार से कोरोना का कहर जारी है उसी प्रकार मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार छात्र छात्राओं के लिए प्रोटोकॉल के नियम निर्धारित किए गए हैं। इस दौरान अध्यापन और परीक्षा कार्य ऑनलाइन करवाए जा रहे हैं, लेकिन महर्षि स्कूल के द्वारा बच्चों की परीक्षा ऑफलाइन कराने का मामला सामने आया है, जहां पर छात्र छात्राएं परीक्षा देने उपस्थित रहे। लेकिन जैसे ही यह खबर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तक पहुंची, तो जिसके बाद संगठन के द्वारा अपने दल के साथ विरोध प्रदर्शन करने रामपुर स्कूल पहुंच गए और अपना विरोध दर्ज कराया। वहीं कुछ छात्रों ने बताया कि पिछले कई दिनों से स्कूल की प्रिंसिपल परीक्षा देने के लिए छात्र छात्राओं पर दबाव बना रही थी, जिसके बाद प्री बोर्ड परीक्षा का ऑफलाइन आयोजन किया गया था। कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, तालाबंदी जैसे हालात पुनः मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं। हम शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल महर्षि स्कूल की बात करें तो आज जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को जब जानकारी मिली कि महर्षि स्कूल में लगभग 1000 बच्चे एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं, परीक्षाएं दे रहे हैं, उसको लेकर जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सुबह 7:30 बजे स्कूल प्रबंधन के पास पहुँचे तो स्कूल प्रबंधन ने कहा यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ रहा। जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने क्लास में झांक के देखा तो उनकी भी आंखें चौंधिया गईं कि इतने सारे बच्चे एक साथ क्लासों में कैसे पढ़ रहे हैं। बिना सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे एवं परीक्षाएं दे रहे थे, जिसका विद्यार्थी परिषद ने विरोध किया। जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता स्कूल प्रबंधन के पास पहुँचे तो उनका गोलमोल जवाब आया कि ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। परंतु जब विद्यार्थी परिषद ने अपना प्रदर्शन शुरू किया तो यहाँ पे जिला शिक्षा अधिकारी के साथ BRO साहब भी मौजूद थे, उनके साथ हमने एक अपनी लिखित शिकायत भी दी है। उन्होंने भी शिकायत की यहाँ पे कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा था और विद्यार्थी परिषद भी यह मांग कर रही है कि स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शासन से भी यह मांग कर रही है कि स्कूल प्रशासन की मान्यता रद्द की जाए।